राजस्थान अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले न्यूज 21 में। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीकानेर में एसीबी की बड़ी कार्यवाही, इस बार लपेटे आए यूआईटी के कर्मचारी। जूनियर अकाउंटेंट गणेश कलवानी और कैशियर मनीष कुमार को किया ट्रैप, 70,000 रुपए नगद रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। एएसपी महावीर शर्मा के निर्देशन में सीआई आनंद मिश्रा ने की कार्यवाही। दिनांक 6 फरवरी को हमारे पास परिवादी श्री अशोक कुमार आए थे, जो कि उदय बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है गुड़गांव की। उसके सुपरवाइजर का काम बीकानेर में और राजस्थान में देखते हैं। उनके द्वारा उनकी कंपनी का कुछ पेमेंट जो बकाया था, उन्होंने जो ईएमडी राशि है, एसडी राशि है और जो विदहेल्ड राशि थी उनकी, टोटल जो 19 लाख का पेमेंट था, वो कई सालों से चक्कर काट रहे थे और इनसे बार बार रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस दौरान इनका सत्यापन के दौरान 7 तारीख को जब इनका संपर्क कैशियर श्री मनीष कुमार से हुआ, तो उन्होंने भी उनसे रिश्वत की मांग की और उनको 7.5 लाख का चेक दिया और रिश्वत मांगने का प्राप्त करने का आश्वासन ले लिया था उसने। और फिर ये इनका सत्यापन गणेश कलवानी जी से हुआ अकाउंट्स ब्रांच में, जहाँ पे इनका काम पेंडिंग था और उनके द्वारा भी इनसे पिछली पेमेंट और बकाया पेमेंट दोनों का 4.25% के हिसाब से पेमेंट मांगी इन्होंने, रिश्वत मांगी। और जिसका सत्यापन क्लियर होने के बाद हमने ट्रैप का आयोजन किया और रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान इन्होंने जो 4.25% के हिसाब से बनाते हुए अंत में 70,000 रुपये लेने पर सहमत हुए थे। और हमने एसीबी टीम बीकानेर ने आज दिनांक 9 फरवरी को 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए श्री गणेश कलवानी जी को गिरफ्तार किया और मनीष कुमार जी को भी हमने पकड़ा है। कुछ बड़े अधिकारी हैं, कुछ इन्होंने परसेंटेज के हिसाब से बताया 4.25% का, तो उसमें आगे कार्रवाई चल रही है, तो आगे डिटेल आएगी।